एनकैंटो मूवी डिज्नी की ओर से प्रेजेंट की गई एक और नई मूवी है, जिसमें कि एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है जो अपनी मैजिकल फैमिली से बिल्कुल अलग है, जिसकी फैमिली में सबके पास मैजिकल पावर है। उस लड़की के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। सो स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी मूवीज और सीरीज की स्टोरीज मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप कॉम एंड लिसन। तो मूवी के स्टार्ट में हम मीराबेल को देखते हैं, जिसकी नानी अल्मा उसे मैजिकल फैमिली के बारे में बता रही होती है, जहां पर एक फ्लैशबैक में बताया जाता है कि अल्मा और उसके हस्बैंड पेड्रो एक टाउन में अपने बच्चों के साथ रहते थे। तभी वहां पर कुछ लुटेरे उस टाउन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि पेड्रो की मौत हो गई थी और अल्मा को भी वो लोग मारने वाले होते हैं, बट नेचर एक कैंडल की मदद से उन्हें बचा देती है और वो कैंडल अपनी पावर से उस जगह को दुनिया से गायब कर देती है। वो कैंडल उन्हें मैजिक की मदद से एक कैसेटा नाम का एक घर देती है जो कि मैजिकल होता है, जहां उनके बच्चों को भी मैजिकल पावर्स मिलती हैं। स्टोरी फिर से मेन टाइमलाइन में स्टार्ट होती है, जहां की मीराबेल अब 5 साल की होने वाली थी और उसे भी अब मैजिकल पावर मिलनी थी, पर जैसे ही वो मैजिकल डोर के पास जाती है सीन 10 साल आगे निकल जाता है और मीरा अब बड़ी हो चुकी है और टाउन के बच्चों को अपनी फैमिली की स्टोरी बता रही है। सो उसकी नानी के बच्चों में सबसे पहले उसकी मॉम है जूलियट, जिनकी पावर है लोगों को हील करना। मीरा के अलावा उनके 2 बच्चे और हैं, पहली है लेजिया जिसकी सुपर स्ट्रेंथ की पावर है और दूसरी है इजाबेल जिसके पास की फ्लावर्स खिलाने की पावर्स है। नानी की दूसरी बेटी है पेपा जिसके पास की वेदर को कंट्रोल करने की पावर है। इनके अलावा इनके 3 बच्चे हैं, डॉलोस जिसके पास की दूर तक सुनने की पावर है, दूसरी है कैमिलू जो कि अपना रूप बदल सकती है और तीसरा है एंटोनियो जिसे कि अभी मैजिकल पावर नहीं मिली है। नानी का एक और बेटा होता है ब्रूनो जिसके पास की फ्यूचर देखने की पावर्स थी। वो अब इन लोगों के साथ नहीं रहता, वो कहीं पर चला गया होता है जिसका पता किसी को नहीं होता। मीरा के पास कोई भी पावर्स नहीं होती। अगले सीन में सब एंटोनियो के रिचुअल की तैयारी करते हैं, जहां नानी मीरा को रिचुअल से दूर रहने को कहती है, बट एंटोनियो के फोर्स करने पर मीरा उसके साथ उसके रिचुअल में चली जाती है, जहां एंटोनियो को भी उसकी पावर मिल जाती है जो कि एनिमल से बात करना है। मीरा देखती है कि कैसेटा में दरार आ रही है जिसका असर कैंडल पर पड़ रहा होता है, जिसके बाद मीराबेल इसकी तलाशी खेलने के लिए ब्रूनो के रूम में जाती है जहाँ रेत का एक ढेर होता है। वो एक दरवाजे के अंदर जाती है जहाँ उसे कुछ चमकते हुए शीशे दिखते हैं। वो रूम टूटने लगता है तो मीरा उन सभी शीशों के टुकड़ों को उठाकर वहाँ से निकल जाती है। जब मीरा उन शीशों के टुकड़ों को जोड़ती है तो उसे उसके घर पर दरार की वजह खुद को पाती है। दूसरे सीन में कुछ चूहे मीरा के उन टुकड़ों को ले जा रहे होते हैं तो मीरा उन चूहों का पीछा करती है तो उसे एक सीक्रेट दराज मिलता है जहाँ पर भी उसे ब्रूनो दिखता है। मीरा उसका पीछा करती है पर पीछा करते वक्त वो एक गड्ढे में गिरने वाली होती है, पर ब्रूनो आकर उसे बचा देता है। मीरा उन्हें इस सब के बारे में पूछती है तो ब्रूनो उसे बताता है कि इस सब की वजह और घर टूटने की वजह वही है। इन दोनों की बातें एंटोनियो सुन लेता है क्योंकि उसे चूहे यहाँ तक ले आते हैं। मीरा ब्रूनो को फिर से भविष्य देखने के लिए बोलती है, जिसके बाद ब्रूनो भविष्य देखता है जिसमें कि घर टूटते हुए दिखता है और फिर रिवर पर एक बटरफ्लाई दिखती है। दूसरे सीन में इजाबेल का सगाई हो रही थी तो मीरा की वजह से सभी लोगों की पावर्स कम होती जा रही थी। तभी सबके सामने मीरा के शीशों के टुकड़ों वाली पिक्चर आ जाती है, जिससे कि इजाबेल को देखने आए लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उससे नानी मीरा पर गुस्सा हो जाती है। इस बीच मैजिकल कैंडल की वजह से घर टूटने लगता है और वो कैंडल भी नीचे गिरने वाली होती है। मीरा उस कैंडल को बचाने की कोशिश करती है और वो कैंडल बुझ जाती है, साथ ही उनका घर भी पूरा का पूरा टूट जाता है। फिर मीरा वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे बैठकर रो रही होती है कि नानी वहाँ पर आती है और उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर कई सारी तितलियाँ आ जाती है, साथ ही ब्रूनो वहाँ पर भी आ जाता है ताकि वो मीरा को नानी से बचा सके और उन्हें पता चलता है कि उनके नाना पेड्रो ने मीरा को उन्हीं के लिए भेजा है और इसी की वजह से मीरा को कोई भी स्पेशल पावर नहीं मिली।
ये तीनों अब घर की ओर जाते हैं जहाँ ये सब फिर से मिलकर उस घर को बनाते हैं। कैसिटा फिर से बनकर तैयार हो जाता है। ये सब मीरा को डोरनोब लगाने के लिए देते हैं। जैसे ही मीरा डोरनोब लगाती है तो कैसिटा की मैजिकल पावर्स फिर से वापस आ जाती है और साथ ही सभी लोगों की भी मैजिकल पावर्स वापस आ जाती है। और फिर एंड में ये सब एक फैमिली फ़ोटो लेते दिखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।